सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने 73वां जश्न यौम जमहूरिया के मौके पर मलकपेट हलके के आज़मपुरा टीआरएस पार्टी दफ्तर में कौमी परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर टीआरएस पार्टी कायदीन और कारकुनान की कसीर तादाद मौजूद थी। बाद अज़ां वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली मीडिया से बात करते हुए कहा कि हिंदुस्तान का जो आइन है वह बहुत खूबसूरत है, जिसकी वजह से आज मुल्क हिंदुस्तान में अमन चैन बरकरार है। उन्होंने इस मौके से कहा कि मुल्क हिंदुस्तान और ख़ास तौर पर तेलंगाना रियासत तेज़ी के साथ तरक्की कर रहा है। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने 14 साल की जिद्दोजहद करते हुए तेलंगाना को हासिल किया और हासिल करने के बाद मुल्क की दूसरी रियासतों को तेलंगाना को मिसाली तौर पर पेश किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी इंडिया न्यूज़। इस कॉन्स्टिट्यूशन बना है, उसकी वजह से आज हमारे मुल्क में अमन और हिंदुस्तान में सारे लोगों में भाईचारे की मोहब्बत, उसी वजह से आज उस ज़माने में हमारे बाबा कौम महात्मा गांधी ने एक बात कही थी, हमें मुट्ठी भर अनाज चाहिए, मुट्ठी एक पीने के लिए पानी चाहिए। महाराज हमारे हिंदुस्तान में काफ़ी तरक्की हो रही है, ख़ास तौर से हमारे तेलंगाना में हमारे आनेबल सीएम साहब ने जिस तरह तेलंगाना को तरक्की दिलाई है। ये तेलंगाना स्टेट साबिका में अलहदा स्टेट थी, इसे आंध्रा में मिलाया गया था, मगर हमारे आनेबल सीएम साहब ने 14 साल जद्दोजहद करते हुए तेलंगाना वापस हासिल किया। ये कोई नई स्टेट की बात नहीं, ये हमारा जो हिस्सा उधर आंध्रा में मर्ज किया गया था, फिर से वापस लिया गया। आज तेलंगाना और आंध्रा के लोग भाई भाई की तरह रह रहे हैं और तेलंगाना की तरक्की बेमिसाल तरक्की, इसका पूरा सेहरा हमारे चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव साहब पर जाता है, जिन्होंने उनका जो सपना था कि तेलंगाना अलहदा होने के बाद हम इसे गोल्डन तेलंगाना बनाएंगे, आज यकीनन गोल्डन तेलंगाना बन रहा है। आज हमारे किसान खुशहाल हैं, किसान को रायतु बीमा रायतु बंधु दिया जाता है जो हिंदुस्तान में कहीं पर भी नहीं। गरीबों के लिए 2000 रुपये पेंशन दिया जाता है, शादी मुबारक स्कीम है, हर शोब हयात में सारे हिंदुस्तान में जितने स्कीम्स हैं उसके पूरे के पूरे स्कीम इस तेलंगाना स्टेट में भी नाफिज किए गए, सरप्लस बजट में काम करता है, बड़ा खुशहाल रियासत है, उसका सेहरा हमारे सीएम साहब पर जाता है। और ख़ास तौर से गंगा जमुना तहजीब जो सपना था वो तहजीब आज हमारे हैदराबाद और तेलंगाना के अंदर है, ये हमारे आनेबल सीएम साहब ने लाया है। ख़ास तौर से उन्होंने तमाम फेस्टिवल